सब्जेक्टिव शीट नंबर 13, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट जिन्होंने किया, कितनों का हो गया 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट हो गया 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, देखो 3 क्वेश्चन में करना चाहता हूं, वैसे कितनों का डाउट है, ओके। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, रिएक्शन टाइम फॉर एन ऑटोमोबाइल ड्राइवर इज 0.6 सेकेंड, इफ ऑटोमोबाइल कैन बी डी एक्सेलरेटेड एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कमिंग टू स्टॉप फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर आफ्टर सिग्नल इज ऑब्जर्व्ड। हुआ क्या, इसके अंदर वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सपोज एक कार का ड्राइवर है, एक कार का ड्राइवर की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, अगर आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 25/3 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब ये ड्राइवर क्या कर रहा है, ये स्टॉप करना चाहता है, स्टॉप करने का मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 25/3 मीटर पर सेकेंड, राइट, क्लियर है। ये ब्रेक अप्लाई करेगा, ब्रेक अप्लाई करके अपने आप को रोकेगा। अब इसके अंदर वो कह रहे हैं रिटार्डेशन ए की वैल्यू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ब्रेक अप्लाई करो रिटार्डेशन है, ए भी गिवन है आपको, आपको रिएक्शन टाइम गिवन है 0.6, रिएक्शन टाइम होता है सोचने का टाइम, वो 0.6 सेकेंड में सोच रहा है ब्रेक अप्लाई करूं या ना करूं, उसका ब्रेन टाइम ले रहा है सोचने के लिए, तो 0.6 सेकेंड वो सोचने में लगाता है फिर ब्रेक अप्लाई करता है, तो अगर उसने यहां ब्रेक अप्लाई की तो इसका मतलब कि यहां पे उसने सोचना शुरू किया, सोचना शुरू किया तो ब्रेक पे पैडल पे पैर तो डाला नहीं, तब तक गाड़ी कैसे चलती गई, एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव करती रही यहां तक, उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया, क्लियर है यहां तक, और कितने समय के लिए, t = 0.6 सेकेंड के लिए, क्लियर है यहां तक। तो आपको बताना है कि गाड़ी कितनी देर में जाकर रुकेगी, तो अगर मैं ये ए लिखूं, ये बी लिखूं और ये सी लिखूं, तो ए बी के लिए वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो आप और मान लो ए बी का डिस्टेंस S1 है और बी सी का S2 है, तो क्या लगाएंगे, S1 = वेलोसिटी 25/3 into टाइम 0.6 आंसर। ये तो सोचते हुए जो गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हो गया। अब गाड़ी ने ब्रेक अप्लाई की तो S2 अप्लाई करने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, V² - U² 2AS, तो आप S2 के लिए अप्लाई करें V² का मतलब 0² माइनस 25/3 का होल स्क्वायर इज 2 इंटू ए कितना है -5 इंटू S2, तो यहां से S1 यहां से S2 निकालेंगे और टोटल डिस्टेंस क्या आएगा S1 + S2 आंसर, ऐसे आंसर आएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो जितने लोग पायलट्स या फाइटर पायलट्स बनने के लिए अप्लाई करते हैं बहुत मेजर टेस्ट है उनका, जिसमें क्या चेक किया जाता है पायलट का, रिएक्शन टाइम, क्योंकि फाइटर पायलट को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर डिसीजन लेना है, तो उसका रिएक्शन टाइम अगर ज्यादा हो गया, सोचने में टाइम ज्यादा लगा गया, डिसीजन ले नहीं पाएगा क्या करना है, तो क्लियर है यहां तक। तो ये इस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं और ऐसे टेस्ट हैं उनके पास जिससे वो चेक करते हैं, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डाउट कितने का हो गया, फिर नहीं हुआ तो पूछो। देखो क्वेश्चन है कि अ बर्गलर्स कार हैड अ स्टार्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई चोर है वो ना अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करता है, अपनी स्पीड को बढ़ाता है, तो इस केस में कोई ये रहा, ये थीफ ले लो, एक थीफ है वो रेस्ट से स्टार्ट होता है और कार को चलाता है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, पुलिस पार्टी केम आफ्टर 5 सेकेंड एंड कॉन्टिन्यू टू चेज द बर्गर्स कार विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये चल चुका था थीफ, 5 सेकेंड बाद पुलिस आती है और इसको कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से इसका पीछा करना शुरू करती है, और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कितनी है पुलिस की, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये बताना है टाइम इन विच पुलिस वैन ओवरटेक्स द बर्गलर्स कार, तो ये जो चोर है इसकी कार को कब ये पकड़ता है, ओवरटेक करता है, समय बताना है।
आप सब देख रहे थे सारा कुछ, और देखते देखते आपके पास में स्टॉप वॉच थी, तो स्टॉप वॉच थी तो आपने ये सारी गेम 0 सेकंड से स्टार्ट की। तो मान लो 1 मिनट के लिए थीफ यहां पर है, पुलिस वाला इसे ओवरटेक कर रहा है, तो मान लो कि जो पुलिस है, पुलिस के लिए वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और पूरी जर्नी में पुलिस ने कितना टाइम लिया इसको कैच करने में, टी, मान लो टी टाइम में पुलिस वाले ने इसको कैच कर लिया। तो अगर मैं इक्वेशन पुलिस के लिए लगाता हूं तो क्या लगाऊंगा, एस इज इक्वल टू वी टी, और मान लो डिस्टेंस कितना कवर किया पुलिस ने, एस, जहां से थीफ चला था एग्जैक्टली वहीं से भी पुलिस की कहानी स्टार्ट होती है। अब पुलिस के घर का डिस्टेंस ना लेंगे, कहां से आया था वो पुलिस वाला, डिस्टेंस वहीं से जहां से चोरी हुई है। तो एस इज इक्वल टू 20 इंटू कितना, टी, क्योंकि इसकी पुलिस की स्पीड क्या है, 20 इंटू टी, टी टाइम में उसे कैच करता है। क्लियर है यहां तक? अब थीफ की अगर बात करते हैं, थीफ तो रेस से स्टार्ट हुआ था, तो अगर पुलिस ने एस डिस्टेंस कवर किया तो थीफ ने भी एस डिस्टेंस कवर किया, तभी उसको ओवरटेक करेगा। डिस्टेंस जब तक सेम ही होगा ओवरटेक कैसे करेगा। एस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टाइम, क्या पुट करें, टी स्क्वायर, नहीं, दोनों में 5 का फर्क है। तो अगर पुलिस वाला टी टाइम में ओवरटेक करता है तो थीफ 5 सेकंड पहले निकल चुका था इसके यहां से। 5 सेकंड पहले निकलने का मतलब थीफ का टाइम कितना चल रहा है, टी प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों में 5 सेकंड का फर्क डल गया, थीफ पहले जा चुका तो उसकी घड़ी में टाइम ज्यादा हो चुका है, और पुलिस वाला लेट स्टार्ट हुआ उसका टाइम टी है। स्टार्ट तो आपने किया ना स्टॉप वॉच, पहले आपने थीफ की स्टार्ट कर दी थी, अब आपने पुलिस की स्टार्ट की। तो अगर पुलिस की 30 सेकंड में कंप्लीट होती है तो थीफ का टाइम क्या चल रहा है स्टॉप वॉच में, टी प्लस 5। लेकिन एस दोनों का एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम, इक्वेट कर लो, 20 इंटू टी इज इक्वल टू, ये तो कट गया तो यहां पर क्या बचा, इज इक्वल टू टी प्लस 5 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करके सॉल्व करो क्वाड्रेटिक, तो टी की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है कोई 5 सेकेंड इज द आंसर, 5 सेकेंड आंसर आएगा। ड्राइव पे डाल दूंगा सॉल्यूशन में इसके। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, कितने लोगों को इसमें डाउट है, फिफ्थ में? देखो क्वेश्चन है, अ बॉल रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन 2 मीटर लॉन्ग इन 4 सेकेंड। तो एक इंक्लाइन प्लेन है, ये रहा इंक्लाइन प्लेन, तो कोई भी बॉल या ऑब्जेक्ट चलता है यू इज इक्वल टू 0, और वो नीचे आता है इंक्लाइन के, और ये कितनी लंबाई है इसकी, 2 मीटर, और कितने समय में नीचे आता है, टाइम इज इक्वल टू कितना, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में नीचे आता है। आपको इसमें क्या निकालना है, एक्सलेशन, नहीं पहले एक्सलेशन निकालनी है, फाइंड एक्सलेशन। तो और एक्सलेशन निकालनी है, एस पता है, टाइम पता है, यू पता है, क्या इक्वेशन लगाएं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह 2, यू की जगह 0, हाफ, एक्सलेशन निकालनी है और टाइम कितना है, 4 का स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन सॉल्व करके कितनी आ रही है चेक करेंगे, 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन आ गई। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, एक आंसर आ गया। दूसरा क्या निकालना है, टाइम टेकन टू कवर द सेकेंड मीटर ऑफ द ट्रैक। देखो ये ध्यान से देखने वाला है, सेकेंड मीटर ऑफ द ट्रैक, टोटल ट्रैक कितने मीटर का है, 1 मीटर, 2 मीटर, तो पहला ट्रैक 1 मीटर का और बाकी दूसरा ट्रैक 1 मीटर का, क्या ये पॉइंट क्लियर है, 1 मीटर 1 मीटर, ठीक हो गया तक? आपको यहां का टाइम निकालना है क्या है, अगर आपको टोटल टाइम 4 सेकंड पता है और आप सिर्फ पहले ट्रैक का टाइम निकाल लें तो बचे हुए ट्रैक का टाइम माइनस करके आ जाएगा। तो इस ट्रैक का टाइम निकालते हैं, यानी कि ए, ये बी और ये सी, तो ए बी पोर्शन के लिए हम अप्लाई करते हैं एस इज यू टी
प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर, एस की जगह 1 मीटर, यू 0 है, हाफ एक्सेलरेशन अभी हमने निकाल ली 0.25 इंटू टी स्क्वायर, टी के लिए सॉल्व करेंगे तो टी आ रहा है 2.83 सेकेंड। मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं तो यहां से देख रहा हूं इसका आंसर 2.83 है, ठीक है। तो ये टाइम क्या आया, ये यहां से यहां आने का टाइम आया, हमें क्या निकालना है बी से सी तक का टाइम निकालना है। तो एक काम करेंगे, 4 में से 2.83 को क्या कर देंगे, माइनस 1.17 सेकेंड। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, कैसे करना है इसमें, ठीक है, ये टाइम भी आ गया। नेक्स्ट क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द बॉल एट द बॉटम ऑफ द ट्रैक, तो आपको फाइनल स्पीड वी निकालनी है, वी आपको निकालना है, यू आपको पता है, तो अप्लाई करते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, वी आपको निकालना है, यू 0 है, एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं 0.25 और टाइम की वैल्यू कितनी है 4, आंसर 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, नेक्स्ट है फिफ्थ के बाद सिक्स्थ। इस क्वेश्चन में डाउट है, ओके, बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यू इज इक्वल टू 0 है और एक्सेलेरेशन 5 है, एट सेम टाइम कार ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 50 ओवरटेक्स एंड पासेस द बस, तो उसी टाइम क्या होता है, उसी टाइम कार जो है वो बस को क्या करती है, ओवरटेक करती है, ठीक है। फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस विल द बस ओवरटेक द कार, आप मुझे सिर्फ ये बताएं पहले, अगर ये दोनों गाड़ियां इकट्ठी चल रही हैं, मान लो एक रेफरेंस पॉइंट तो कॉमन लेना पड़ेगा ना, आप ये नहीं कह सकते कि एक बस तो चली दिल्ली से और कार चली बॉम्बे से, हाँ तो डिस्टेंस क्या, रेस तो बराबर रखो ना, कम से कम डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट तो दोनों का सेम रखो ना, तभी आंसर आएगा, नहीं तो कोई कहां से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, ओवरटेकिंग कैसे होगी। तो ओवरटेकिंग के लिए एक ही सड़क चाहिए एक डायमेंशन में, तो मान लो दोनों एक ही पॉइंट से चलते हैं, तो ठीक है एक आगे एक पीछे है, और कार ने बस को अगर ओवरटेक करना है, तो जब ये चले तो आपने घड़ी में स्टॉप वॉच ऑन कर ली, टाइम टी इज इक्वल टू 0, और आपने देखा कि टी पहले बस आगे जा रही है, बस आगे क्यों जाएगी या कार आगे क्यों जाएगी, क्योंकि वो कह रहा है बस रेस्ट से स्टार्ट होती है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एट व्हाट टाइम कार ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ओवरटेक्स एंड पासेस द बस। देखो आप कार ओवरटेक करेगी कि नहीं करेगी, ये बात को ऐसे हमें करना चाहिए, मुझे लगता है बस ओवरटेक करेगी, इसने शायद क्वेश्चन सही नहीं पूछा, कार ओवरटेक नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि कार तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कार कितनी वेलोसिटी से चल रही है 50 मीटर पर सेकंड, तो वो तो हमेशा ही 50 50 50, क्वेश्चन बस करेगी क्यों, हाँ तो हम क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन भी गलत पूछ सकता है यार, ये देखो बंदा लिखता है क्वेश्चन, कोई कंप्यूटर ने नहीं बनाया हुआ, आप मुझे चीज का आंसर दो,
एक बस 50 से चलती है, स्टार्ट ही 50 से करती है, 50 50 50 बस जीरो से करती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर कभी जाके 50, फिर उसके बाद 60 70 80 90। कार कैसे हो उसको हमेशा ओवरटेक करेगी, एक दिन तो बस उसे ओवरटेक कर ही लेगी ना, क्योंकि बस जो है वो एक्सेलरेट कर रही है तो उसकी स्पीड तो कार से भी ऊपर हो ही जानी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? सॉरी अच्छा मैंने क्वेश्चन ही बड़ा, मैं ये बोल रही हूँ मुझे लगा कि शायद कार ओवरटेक करेगी। अच्छा ओके सॉरी, फिर ठीक है बस ओवरटेक करेगी, तो बस जो है वो ओवरटेक करेगी कार नहीं करेगी, तो मैं सोच ही जा रहा हूँ कि शायद आप, मैं मुझे लगा कि वो कहेगा कार ओवरटेक कर रही है। ओके तो बस ओवरटेक करेगी, मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जो आपकी कार है वो तो 50 के साथ ही चल रही है और जो बस है वो जीरो से स्टार्ट हुई, शुरू में बस पीछे होगी लेकिन एक दिन कार को ओवरटेक कर जाएगी। दो चीज़ें कॉमन रहेंगी दोनों में, पहला एस, क्योंकि जब ओवरटेकिंग होगी तो दोनों ने डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम कवर कर लिया होगा, और दूसरा आपकी घड़ी में स्टॉपवॉच में टाइम टी, क्योंकि जो टी टाइम है, टी टाइम में बस ने जो एस डिस्टेंस कवर किया, टी टाइम में कार ने भी उतना डिस्टेंस कवर किया, राइट। तो अब इस केस में आपको क्या करना है, इसमें इसके अंदर आपको डिस्टेंस बताना है कि कब करेगी। ओके तो एक बात बताओ, अगर मैं इक्वेशन बस के लिए लगाऊं तो बस के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस डिस्टेंस कवर किया, बस रेस्ट से स्टार्ट हुई हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है बस की 5 और टी टाइम में ओवरटेकिंग हुई, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अगर मैं इक्वेशन किसके लिए लगाऊं, कार के लिए, तो कार की वेलोसिटी इसमें क्या गिवन है, कांस्टेंट, तो कार की वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एस इज इक्वल टू वी टी, तो एस ये भी एस कवर करेगी, वेलोसिटी कितनी है इसकी 50 टी टाइम में, इक्वेशन नंबर 2। एक काम क्यों नहीं करते, 1 और 2 को इक्वेट कर लो, 1 और 2 को इक्वेट करोगे तो टाइम आ जाएगा, टाइम कितना आ रहा है 20 सेकेंड, तो टाइम आ जाएगा 20 सेकेंड में ओवरटेकिंग होने वाली है, तो बताओ उस टाइम पे एस क्या होगा। आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी टी की वैल्यू 20 पुट कर दो, ऐसा जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ये तो एक आंसर हो गया। दूसरा, हाउ फार द बस बी ट्रेवलिंग, हाउ फास्ट, सॉरी लाइट पड़ रही है, हाउ फास्ट विल द बस बी ट्रेवलिंग देन, तो उस टाइम पर, किस टाइम पर, जब ओवरटेकिंग है, ओवरटेकिंग किस टाइम पर है, टाइम टी इज इक्वल टू 20, तो पूछ रहा है कि बस की स्पीड क्या होगी, तो लगा दो ना इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, बस रेस्ट से स्टार्ट हुई है, एक्सेलेरेशन पता है आपको, एस की वैल्यू हमने निकाल ली है, सॉल्व करके क्या जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन को भी क्लियर है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? हाँ हाँ हो जाएगा, जिससे मर्जी लगा दो। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो आप इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट? डाउट है, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, तो चलो यू जीरो है और ए की वैल्यू गिवन है, एंड रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो ऐसा लग रहा है कि बॉडी पहले क्या करती है, एक्सेलरेट, फिर क्या करती है, रिटार्ड, यानी कि बॉडी पहले एक्सेलरेट करेगी, वेलोसिटी मैक्सिमम आ जाएगी, फिर बॉडी ब्रेक अप्लाई करेगी और रेस्ट पे आ जाएगी। दो पार्ट्स ऑफ जर्नी है आगे। अब वो कह रहा है कि बॉडी एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेशन गिवन है, और रिटार्ड करती है, रिटार्डेशन गिवन है, लीस्ट टाइम इन विच इट कैन कंप्लीट द जर्नी ऑफ 5 किलोमीटर इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इज गिवन एज 72 किलोमीटर पर आवर। देखो हुआ क्या, पहले जीरो से स्टार्ट हुई बॉडी, एक्सेलरेट करती है, वेलोसिटी बढ़ाती है, मैक्सिमम कर लेती है, उसके बाद क्या अप्लाई करती है, ब्रेक अप्लाई करती है और धीरे 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 रेस्ट पे आती है और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। आपको बताना है कि टोटल जर्नी 5 किलोमीटर की है, समय कितना लगा इसको कवर करने में, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला, जब बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट, स्पीड बढ़ा रही है, और दूसरा जब वो क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है, स्पीड कम कर रही है, राइट, क्लियर है? जब ये एक्सेलरेट कर रही है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है,
बोलो, जीरो, बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट और फाइनल वेलोसिटी क्या है, कितनी? जीरो से अपनी वेलोसिटी बढ़ा रही है, कितनी करेगी, कितनी? मैक्सिमम 72 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ाने का मतलब जब तक मैक्स नहीं हो जाती तब तो ब्रेक कैसे अप्लाई करेगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर का मतलब होता है 20 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, राइट? ठीक हो गया तक? और इस दौरान बॉडी एक्सेलरेट करती है विद 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि कितना आ रहा है, 0.1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, सही है? तो एक काम करते हैं, हम टाइम निकालते हैं बॉडी का। टाइम के लिए v इज इक्वल टू u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी क्या है इसमें, 20, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसमें, 0, एक्सेलरेशन क्या है, 0.1 और टाइम है t1, तो t1 सॉल्व करके कितना आ रहा है, 200 सेकेंड। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? तो एक्सेलरेशन का टाइम आ गया। ऑनलाइन वालों क्लियर है? यस सर। ठीक, अब रिटार्डेशन की बात करें। रिटार्डेशन में ब्रेक सप्लाई होगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी चल रही थी 20, अब मैक्सिमम वेलोसिटी 20 है, रिटार्डेशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 20। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 20, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, 20 से 0 हो जाएगी, ब्रेक सप्लाई करेंगे, रेस्ट पे आएगी बॉडी। तो रिटार्डेशन कितनी गिवन है क्वेश्चन में, कितनी, 20, तो माइनस 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 0.2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो टाइम निकालते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, इनिशियल क्या है, 20, एक्सेलरेशन क्या है, 0.2 और टाइम क्या है, t2, तो t2 सॉल्व करेंगे, ये रादर माइनस में आएगा, t2 सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 100 सेकेंड, ठीक, आंसर आएगा 100 सेकेंड, क्लियर है? तो एक्सेलरेशन का टाइम क्या है, 200 सेकेंड, रिटार्डेशन का टाइम क्या है, 100 सेकेंड, टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या है, 300 सेकेंड, राइट? आंसर क्या है, 400 सेकेंड, गलत हो गया। एक बात इसने छुपा ली, ट्रिक है इसमें, दिख नहीं रही हमें लेकिन एक्चुअल में है ऐसा। और क्या ट्रिक खेल गया ये, इसने शुरू की इंफॉर्मेशन दे दी कि बॉडी ने वेलोसिटी बढ़ा ली, एंड की दे दी कि बॉडी ने वेलोसिटी घटा ली, बीच में नहीं दी। बीच में मतलब, बीच का मतलब है कि जब एक्सेलरेट करेगी बॉडी तो मुझे सिर्फ ये बताओ इसमें कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगी S1, और अगर रिटार्ड करेगी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी S2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S1 और S2 का सम क्या आना चाहिए, 5 किलोमीटर, क्योंकि टोटल जर्नी कितनी है, 5 किलोमीटर की। चेक करते हैं, तो अगर मैं इसमें अब इसको हटाऊं, टाइम तो हम निकाल ही चुके हैं, चलो, तो अगर मैं यहां पे इक्वेशन लगाता हूं, कौन सी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2 × a × s1, तो फाइनल वेलोसिटी की जगह 20 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 2 × एक्सेलरेशन की जगह 0.1 और × s1। तो चेक करो s1 क्या आ रहा है, 2000 किलोमीटर आ रहा है, 2000 मीटर, चेक करो, आएगा तो s1 क्या आएगा, 2000 मीटर, यानी कि कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक हो गया, ये 400 हो जाएगा ना, 400/2, 200, ठीक है, यहां तक s1 आ गया। फिर वैसे ही अगर मैं यहां पर s2 निकालूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as में फाइनल वेलोसिटी की जगह 0, इनिशियल वेलोसिटी की जगह 20 का स्क्वायर इज 2 × −0.2 × s2, तो s2 की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, बोलो,
चेक करो 1000 मीटर आ रही है, इतनी आएगी। अब एक बात बताओ, एक्सेलेरेशन 2000 मीटर, रिटार्डेशन 1000, तो कुल मिला के कितना हुआ 3000 मीटर, लेकिन जर्नी क्या ट्रेवल करनी है 5000 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में वो कैसे मूव कर रहा था विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। उसने ये तो बिल्कुल सही बोला, जीरो से वेलोसिटी 20 हो गई मैक्सिमम, उसके बाद 20 20 20 रही, कब तक, जब डिस्टेंस कितना है 2000 मीटर, क्यों 5 किलोमीटर में से ये 3 किलोमीटर माइनस करोगे 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बॉडी बीच में कैसे चलती रही कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई की। अब एक काम करना पड़ेगा, हमें बीच का इंटरवल लेना पड़ेगा, और बीच के इंटरवल में हमें इसमें लगाना पड़ेगा कांस्टेंट वेलोसिटी वाला फॉर्मूला। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में एस कितना ट्रेवल करेगी बॉडी 2000 मीटर। ये 2000 मीटर समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि टोटल 5000 मीटर है और 3000 वो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में कवर कर गया, तो बचा कितना 2000 मीटर। और वेलोसिटी मैक्सिमम, क्योंकि एक्सेलरेशन के दौरान उसने 20 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम, फिर 20 20 20, फिर ब्रेक अप्लाई करके जीरो, तो यानी कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट 20, टाइम है t3, तो अप्लाई करो s इज इक्वल टू vt, तो s की जगह 2000 इज इक्वल टू 20 इनटू t3, तो t3 की वैल्यू क्या आ रही है 100 सेकंड। तो ये फर्क पड़ रहा है, तो अब टोटल टाइम क्या हो गया 200 प्लस 100 प्लस 100, दैट बिकम्स 400 सेकंड आंसर है। देखो ये क्वेश्चन डेंजर है, क्योंकि आप एस नहीं चेक करोगे, देखो आप सीधा t1 और t2 चेक करोगे, ऐड करोगे, आंसर आ जाएगा डन, आप क्वेश्चन की बात मानोगे। उसने कहा यार एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, काम खत्म। उसको बोलना चाहिए था एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, रिटार्डेशन है, ताकि आप तीन टाइम निकाल सको, लेकिन वो ट्रिक खेल गया कि बच्चा खुद चेक करेगा एस1 एस2 और वो डिस्टेंस 5 किलोमीटर नहीं आएगा। पर हर सारे क्वेश्चन में चेक नहीं करना होता, इकलौता बिल्कुल एक्सेप्शनल क्वेश्चन है ये, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है इसका आंसर 400 क्यों आया, कोई डाउट इसमें? तो अब हम अलर्ट हो जाएंगे ना ऐसे क्वेश्चन में, आज के बाद हम चेक करेंगे अब बराबर कि टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर बनना चाहिए, नहीं है तो बीच में कांस्टेंट वेलोसिटी लेके चलेंगे, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आसान है, बॉडी कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 7th सेकंड, एस 7th है, 24 मीटर इन 9th सेकंड, एस 9th है, 15th सेकंड का डिस्टेंस क्या होगा, एस 15th निकालना है। तो पहले आप दो इक्वेशन से यू और ए निकालोगे, एस 15th में यू और ए को पुट करके आंसर आएगा, राइट? इजी क्वेश्चन है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन ये वही है, इट विल ट्रेवल इन नेक्स्ट 3 सेकंड, ये काफी बार हो चुका, एस 8 में से एस 5 को माइनस कर दो, याद है ये क्वेश्चन काफी बार हो चुका लास्ट टाइम भी, तो ऑलरेडी डन। नेक्स्ट ये भी शीट की प्रॉब्लम थी, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड इज 25, तो मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है, तो फाइनल वेलोसिटी 25 है, 25 इज u प्लस 80, 5 मींस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80 में टाइम 5 सेकंड है, फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरी इक्वेशन क्या है, 25 मीटर पर सेकंड है आफ्टर 8 सेकंड, 34 मीटर पर सेकंड है 8 सेकंड, तो v की जगह 34 और टाइम की जगह 8, सॉल्व करके u और a निकाल लेना। फिर क्या निकालना है इसमें, s 12th का मतलब u प्लस a बाई 2 इंटू 2 इंटू 12 माइनस 1 इज द आंसर। तो क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें?